दोस्तों, क्या आपको सांपों से डर लगता है तो ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ केवल सांपों का राज चलता है और इस आइलैंड पर इंसान तो भूल के भी नहीं जाते हैं और यहाँ इन सांपों का ही रूल्स और रेगुलेशन चलता है। तो चलिए जानते हैं इस आइलैंड के बारे में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक ऐसे जानवर की बात करेंगे जिसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, जो सांप जैसे खतरनाक जानवरों को भी बड़ी आसानी से मार देता है। मैं चील या बाज की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में इससे भी एक खतरनाक जानवर ने जन्म लिया है। हर साल सांप हजारों की जान लेता है, इसीलिए नेचुरल है कि इंसान को सांप से डर लगेगा। ब्राज़ील में 106 एकड़ का एक छोटा सा आइलैंड है जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड जहरीले सांपों से भरा हुआ है। दुनिया भर की खतरनाक सांपों की प्रजाति इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। पर अच्छी खबर ये है कि ये आइलैंड जमीन से 33 किलोमीटर दूर समुद्र में है, इसीलिए ये सांप कहीं और नहीं जा पाते हैं। इस आइलैंड का ओरिजिनल नाम है इला द क्विमाडा ग्रैंडे। ये आइलैंड दूर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसकी खूबसूरती देखने के बाद आपको यहाँ पिकनिक मनाने का मन करेगा, लेकिन ये जानने के बाद कि आपको यहाँ हर कदम पर जहरीले सांप मिलेंगे, उसके बाद तो आप इसे दूर से भी नहीं देखना चाहेंगे। सन 1900 के बाद इस आइलैंड पर यहाँ कोई नहीं रहता है। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को बैन कर दिया है ताकि कोई इंसान यहाँ न जाए। सिर्फ ब्राज़ीलियन नेवी यहाँ साल में एक बार लाइट हाउस को मेंटेन करने के लिए जाती है, जिसमें उन्हें लाखों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये आइलैंड पर इतने सांप हैं कि हर कदम पर कम से कम 4 या 5 सांप मिल ही जाते हैं। तो सोचिए, यहाँ सांप ज़्यादा और ज़मीन कम दिखाई देती है। कहा जाता है कि 1900 के पहले ब्राज़ील गवर्नमेंट ने यहाँ एक फैमिली को रखी थी ताकि ये लाइट हाउस को मेंटेन कर सके, जिससे कमर्शियल शिप्स को सिग्नल टाइम पे मिले, लेकिन सांपों ने घर में घुसकर पूरी फैमिली को ही मार डाला। ऐसे कई वारदात हुए हैं जिसमें लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवा दी है। कहा जाता है कि एक पर्यटक अपने जहाज के साथ यहाँ से गुजर रहे थे और इस आइलैंड की खूबसूरती देख सोचा कि यहाँ पर रुक कर थोड़ी मौज मस्ती कर लिया जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मौज मस्ती होगी। अंत में सांपों की चपेट में आकर सभी ने अपनी जान गंवा दी। ये सब बातें सुनकर आपके मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि इतने सारे सांप इस आइलैंड पर आए कहाँ से। तो कुछ लोगों का मानना है कि पायरेट्स ने अपनी खजाने को छुपाए थे और खजाना कोई चुरा ना ले, इसीलिए इतने सारे सांपों को इस आइलैंड पर खुला छोड़ दिया गया। लेकिन ये एक कहानी जैसी है, क्योंकि अगर पायरेट्स खजाने लेने वापस आते तो उन्हें भी मौत का सौदा करना पड़ता और वे भी अपनी जान गंवा देते। वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के अनुसार इसका कारण कुछ और ही है। इनका कहना है कि हजारों साल पहले ये ब्राज़ील के जमीन से जुड़ा हुआ था, तब सांप यहाँ अपने हिसाब से आते और जाते रहते थे, लेकिन समुद्र का पानी लेवल बढ़ने से जमीन और इस आइलैंड के बीच में पानी भर गया। इससे सांपों का आना जाना बंद हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि सांप एक बार में 80 से 100 अंडे देते हैं, जिससे धीरे धीरे सांपों की प्रजाति बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि इस आइलैंड पर पहले दूसरे जानवर भी रहते थे, लेकिन सांपों की बढ़ती आबादी ने दूसरे जानवरों का शिकार कर करके उन्हें विलुप्त कर दिया। और आज इस आइलैंड पर ऐसा समय आ गया है जहां बड़े सांप छोटे सांपों का भी शिकार कर रहे हैं, जिसमें से एक दुनिया का सबसे जहरीला सांप है द गोल्डन लैंड शेड वाइपर, जो दुनिया में केवल इसी आइलैंड पर पाया जाता है। इनकी विष दूसरे सांपों से सबसे जहरीला होता है। अगर ये सांप पक्षियों को काट ले तो सेकंड भर में जान चली जाती है। अगर ये इंसान को काट ले तो इंसानों की मौत घंटे भर में हो जाती है। रिसर्चर्स के मुताबिक यहाँ 3 से 4 हजार गोल्डन लैंड शेड वाइपर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस आइलैंड से हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी मिली हैं, जिसे साइंटिस्ट दवा बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। ये आइलैंड पर पाए गए सांपों के जहर से जानलेवा बीमारियों की दवा बनाई जाती है, जैसे कि हार्ट डिजीज की। इस आइलैंड में रिसर्चर्स को साल में एक बार ही जाने का परमिशन दिया जाता है, पर अगर किसी तरह आपने इस आइलैंड पर जाने की गवर्नमेंट से परमिशन ले भी ली
तो आपको कंपलसरी एक प्रोफेशनल डॉक्टर को साथ लेकर जाना होगा। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि आपको दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर के बारे में बताएंगे, तो वो खतरनाक जानवर और कोई नहीं, बस हम इंसान ही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इतने डेंजर आइलैंड होने के बाद भी कुछ लोग यहाँ के सांपों को पकड़कर स्मगलिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ के सांपों का वेनम ब्लैक मार्केट में बहुत अच्छी कीमत देती है। लोग ब्राजीलियन नेवी से बचते बचाते यहाँ के सांपों का शिकार करते हैं और ये एक सांप को लगभग 30,000 से 35,000 डॉलर में बेच देते हैं। दोस्तों, सांप दुनिया का सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है, लेकिन इंसानों के आगे इन्हें भी अपना दम तोड़ देना पड़ता है, जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रकृति की अनगिनत चीज़ों को तबाह कर रही है। दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सांपों का स्मगलिंग करना ठीक है या नहीं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और लोगों को भी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर के बारे में पता चले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।